वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं यहाँ पे अलकनंदा नदी के ऊपर, और आप जैसे कि देख सकते हैं, और आप पूछेंगे कि अलकनंदा नदी के ऊपर क्या कर रहे हो अजय भाई, और मैं यहाँ पे इस नदी के ऊपर गाइस इस पुल के ऊपर हूँ, और आप पूछेंगे कि इस पुल के ऊपर क्या कर। तो गाइस दरअसल बात ऐसी कि आज मेरे को जाना है यहाँ पे, अर्थ डे के सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था डॉक्यूमेंट्री बना के, तो उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका प्रेजेंटेशन है गाइस। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ आज अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और चलिए गाइस अब चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। और ये रही अलकनंदा नदी, जय माँ अलकनंदा। एक्चुअली ना दोस्तों, आजकल रास्ते कौन याद रखता है, किसी को कोई रास्ता याद नहीं है भाई, कोई पूछो तो बताता नहीं है, लिफ्ट कोई देता नहीं है। तो मैं गया गूगल बाबा के पास और पूछा फिजिक्स डिपार्टमेंट का रास्ता, और गूगल बाबा ने बता दिया। और गाइस अब मैं जा रहा हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो गाइस आज बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होने वाली हैं आपको बताने में, मुझे लग रहा है कि आज तो पता नहीं स्टार्टअप वाले आइडिया वीडिया डिस्कस होने वाले हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो है प्रोग्राम है गाइस आज तो। तो गाइस मैंने खोल लिया है गूगल मैप, और अब मैं गूगल मैप के सहारे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली पता नहीं है ना यहाँ पे फिजिक्स का डिपार्टमेंट कहाँ है, हमारा कैंपस है वहाँ, और मैं आ रहा हूँ यहाँ। लगता है गाइस मैं पहुँच गया, पर नहीं गाइस ये मेरी मंजिल नहीं है, ये कुछ और ही है, पर मेरे को और आगे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो और चलना ही पड़ेगा मेरे को लगता है पैदल। गाइस धूप तो इतनी तेज हो रही है कि क्या करें, और छाता मैं रख नहीं सकता क्योंकि ब्लॉग भी शूट करना है। दोस्तों आपके मन में शायद एक सवाल होगा कि अजय भाई आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई किस चीज़ पे, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है अपनी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे, जो कि मैंने यहाँ सबमिट कर रखी है। तो गाइस मुझे लगता है कि प्राइस तो फाइनल है भाई का, और सेलिब्रेशन इसीलिए तो आ रहा हूँ आज। गाइस प्राइस के चक्कर में मैं भूल ही गया कि मेरे को जाना कहाँ था, और मैं इस रास्ते चला गया, पर गूगल बाबा ने बताया कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, और मेरे को जाना पड़ा इस रास्ते में जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रास्ता गाइस थोड़ा आउटसाइडर वाला रास्ता है, तो मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा। और भाई फ्लिकर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपको मैं सामने का नज़ारा दिखाऊँ ना, तो पूरा शहर वाला, तो वो दिखाता हूँ। गाइस आपने अपने स्कूल और किताबों में पढ़ा होगा कि अगर जल है तो कण है, नहीं गाइस अगर जल नहीं तो अभी भी नहीं है, तो गाइस पहले पानी पी लेता हूँ। तो गाइस पानी बचाइए और पानी पिए, और खूब सारा इस पेड़ को स्पेशल थैंक्स गाइस, इसने मेरे लिए छाया करी है और मैं पानी पी रहा हूँ। तो फिर सफर अभी खत्म नहीं हुआ गाइस, अभी तो जाना है मेरे को थोड़ा सा और आगे। गाइस जो ये शहर आपको अलकनंदा के किनारे दिख रहा है, ये खूबसूरत सा शहर है हमारा श्रीकोट, और पहले मैं भी यहीं रहा करता था, खैर अब तो मैंने कमरा चेंज कर दिया है श्रीनगर की तरफ। तो फाइनली गाइस वो डेस्टिनेशन आई गई है जहाँ के लिए मैं आया था, और मेरे को सामने गेट दिख रहा है। चलो 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 मैं दौड़ के जाऊंगा, और गाइस देखिए गेट मिल चुका है मेरे को, खुशी का कोई ठिकाना नहीं इतनी गर्मी हो रही, इतनी क्या, अरे यार गाइस मजाक हो गया, गेट खोल दो यार आने। HNV वालों ने फिर से गाइस चूना लगा दिया, यहाँ पे तो गेट में ताला लगा हुआ है, और गेट तो इतना बड़ा बड़ा यही दिया हुआ है HNV का, क्या करें गाइस लोल हो गया। गाइस मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हूँ, आप भी देखिए यार इधर कुछ, मेरे को कुछ ढूंढना है यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे थे बड़े बड़े बम्बू, तो मैं यहाँ पे कंटेंट ढूंढ रहा था गाइस। गाइस मेरे को अभी बहुत भयंकर चीज दिखी, वो देखिए गाइस वहाँ है म्यूजियम, ये गाइस म्यूजियम में मैं गया था, तो गाइस यहाँ बहुत ही भयंकर बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं, बाबा आदम हाँ मतलब जो भी था, बहुत पुरानी चीजें दी गाइस, और हो सके तो कभी यहाँ भी ले जाऊंगा आपको। गाइस अभी देखिए मेरे को क्या दिखा है, यहाँ मिला एक गिरगिट, ओ भाग गया, ये देखिए गाइस वो कलर चेंज कर रहा है अपना, रेड वेड हो गया, भाग गया। तो फाइनली गाइस आखिरकार मैं पहुँच ही गया इतनी गर्मी में इतनी मशक्कत के बाद, और ये पीछे जो आप गेट देख रहे हैं यही है हमारे कैंपस का गेट, जो कि हमारा चौरास का कैंपस है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे चौरास के डिपार्टमेंट में फिजिक्स वाले में। गाइस जब मैं इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को देख रहा हूँ, तो लगता नहीं है ये हमारा ही कैंपस है, देखिए ना एक बार कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हो रहा है, पर
मेरा डेस्टिनेशन है यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो गाइस उधर ही चलते हैं। गूगल बाबा हमें सारे रास्ता नेविगेट कर रहे। गाइस मेरे को लगा था कि यहाँ पे मैं सारे रास्ते मेरे को पता चल चुके हैं गूगल मैप के सारे, पर मैंने गूगल मैप जैसे ही बंद करा और मैं यहाँ फिर से भटक गया और मैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहा हूँ गाइस। और मेरे को तो गाइस यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं ये दो फेरू, ही हमारे भाई लोग हैं, सच में मेरे भैया हैं और ये मेरी बहन है। और तो गाइस ये भी आज मेरे साथ है। मुझे घुमा रहे हैं, हम दोनों का कॉम्पिटिशन था, तो भैया ने भी भैया का पहले था और मेरा बाद में था, तो पता नहीं यार शाम तक आएगा इसका रिजल्ट। अभी चलते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो गाइस हम फिर से चलते हैं, अब फिर से नहीं एक ही बारी पहली बारी चलते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो चलिए। तो गाइस प्रियंका दीदी बोल रही है कि उनका सिलेक्शन हो गया और मैंने बोला तुम तो पक्का तब तो दो ही लोग आए होंगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तो दो में भी सेकंड आने वाले लोग हैं, नहीं एक में भी सेकंड आने वाले लोग हैं। नहीं बताओ वहाँ पे ना 78-79 लोग होंगे, उसमें से हमारे साथ ना थिएटर वाले भी थे, तो देखो रिजल्ट तो आ ही गया होगा। ये अज्जू के बैग से ना सदियों पुरानी वो मिल रखी है बासी मूंगफली, बासी मूंगफली गज चखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्या पता क्या पता कुछ टेस्ट आ जाए। ये लो गाइस इसे अब झड़ गया, वो भी गिर गया गाइस। तो गाइस अब उन्होंने हमें यहाँ पे उन्होंने हमें बुला दिया अंदर, तो हम देख सही क्या है गाइस, हम तो हमेशा से बैक बेंचर ही रहे हैं, आगे बैठने में टॉप तो कभी नहीं था और हम पीछे। तो गाइस यहाँ पे सबको लोग बैठ चुके हैं और हमारी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे सबको दिखाई जाएंगी गाइस। तो गाइस यहाँ पे गाने वाने शुरू हो चुके हैं, वो देखे गाइस। गाइस वो इंग्लिश में बोल रही है और यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एक अक्षर में गाइस वो लड़की इंग्लिश में पोएट्री कर रही है और यहाँ पे किसी को कुछ समझ में आया कि क्या पता नहीं यार गाइस फर्स्ट मई ही था, उन्होंने सस्पेंस बना के थर्ड से दिखाया, मेरे को लगा भाई ये तो मेरे साथ ना इंसान भाई एक्सपीरियंस माया सबसे बंदा सबसे फर्स्ट में नहीं आया गाइस, मेरे डॉक्यूमेंट्री आगे चल रहा है और वो दिखाता हूँ अपने अंदर के बाद। तो गाइस मेरा कमिटमेंट गलत नहीं गया और मैं फर्स्ट ही आया, तो गाइस आखिरकार मेरा हो ही गया और मेरे को लगा था मेरा नहीं निकाला, उन्होंने की सस्पेंस बना के थर्ड से दिखाया, तो अब लेने चाहते हैं। तो गाइस अभी थर्ड को बुलाया मैंने, देख रहे हो गाइस गजराट लगा है उनका पड़ा है। वाह पता नहीं कैसे मिल जाएगा गाइस, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अज्जू का इसीलिए भी आया ना, क्योंकि अज्जू पहले से भी बनाता है, इसीलिए अज्जू का सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा उसका चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अज्जू को अभी मिलने ही वाला है कुछ देरी में और कितना खुश हो रखा देखो। ये ना इतनी बड़ी में तालियां मार रहा है देखो इसको, ये सब फर्स्ट ईयर वाले हैं। ये बस्ता मिला है गाइस, आज इस बस्ते में पता नहीं क्या हुआ,
ठीक है, ये बैग मुझे दे देना, ठीक है? मेरे पास बैग नहीं है यार। दो दो बैग। और ये सर्टिफिकेट पता? इसके साथ में डालूंगा। ठीक है, अजय को पहचान लिया ना जय तुझे? ठीक है। तो गाइस, हम लोग तो आए ही यहाँ पे 24 तारीख के। हाँ, बिरयानी आ चुकी है, ये देखो बिरयानी। भाई बिरयानी, हमारी बिरयानी है। तो गाइस, कंपटीशन वगैरह तो हमारे सब बहाने थे, पर हम तो आए थे यहाँ चाउमीन और ये डिजर्ट के खाने के। गाइस, हम सुबह से आज कुछ खाए भी नहीं हमने यार, रिफ्रेशमेंट। इसको हम लास्ट में खाते थे जब अच्छी लगी। हाँ, वाओ गाइस, ऐसा रिफ्रेशमेंट आज तक नहीं मिला। लगता है फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट बहुत अमीर है गाइस। अरे हमारे इसमें तो नहीं है। तो गाइस, अब हम करते हैं इसको एंजॉय और फिर तब आपको बताते हैं क्या कैसा सीन। तो गाइस, हमने डब्बे कर दिए खाली और रिफ्रेशमेंट बहुत बढ़िया था, तगड़ा एकदम, नेक्स्ट लेवल रिफ्रेशमेंट। आज तक ऐसा रिफ्रेशमेंट तो समोसे में टरकाते थे गाइस, आज तक। आज कुछ अलग ही कर दिया, वो भी गुप्ता का समोसा, आज अलग। आज रुपए वाले में नहीं, उसमें ना वो रहता, क्या बोलते हैं, क्या हलवा नहीं होता है, वैसे खाया मैं, आलू भी नहीं रहता उसमें। पर आज का रिफ्रेशमेंट तो क्या बोले गाइस। तो गाइस, हमारा जो अर्थ डे का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही औसम गया, और यहाँ पे सारे बच्चे जाने लगे हैं घर को। और गाइस, मैं भी उतर गया हूँ फॉर्म में, मैं भी जा रहा हूँ दूसरे वाले प्रोग्राम में। मैं भी उतर गया हूँ फॉर्म में, और अज्जू को लेके भी जाएंगे उसमें, उसमें भी हम दिखाएंगे। तो गाइस, यार ये कह रहे हैं कि ऊपर चलना है तो चलना ही पड़ेगा शायद। तो गाइस, आज तो कॉम्पिटिशनों की बाढ़ लगी हुई है, और यहाँ भी कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन हुई है जा रही है। यहाँ भी एक कॉम्पिटिशन है, इसको देखते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे मिस मिस का। तालियां तालियां भाई, तालियां। वाओ गाइस, क्या नजारा आ रहा है यहाँ से, फील्ड में बच्चे खेलते हुए, और एकदम खूबसूरत सी सैन एंड्रियास टाइप की सिटी, और यहाँ पे डूबता हुआ सूरज, और हमारा कंपटीशन गाइस, इतना बढ़िया लग रहा है ना, क्या बोलो। तो गाइस, आज हमें आया बहुत सारा मजा, और हमने कंपटीशन में पार्ट तो ले ही रखा था डॉक्यूमेंट्री वाले में, और उसमें भी गाइस हम जीते, और भैया ने भी पोएट्री करी, और उसमें भी एक किताब मिली, और मेरे को ये बैग मिला जो भैया ने लगा रखे। तो गाइस, होपफुली आपको आज के इस ब्लॉग में आया होगा मजा, और आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।